उन्नाव के पुरवा से एक बड़ी खबर। पति ने की अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या। पुरवा कोतवाली के अंतर्गत भदनांग गांव में हुई हत्या, संदिग्ध परिस्थितियों में की गई हत्या। वहीं मृतका के भाई ने लगाया हत्या का आरोप। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव। ग्राम सभा कस मंडी खुर्द की प्रधान श्रीमती जानकी, ग्राम मधवापुर पति उदय शंकरपुर बताते चले कि प्रधान जी का कहना है कि हमारे यहाँ पुलिस की लापरवाही बहुत बड़ी है, जो कि भूसा गौशाला के लिए हम लेकर आते थे, लेकिन पुलिस कर्मी योगी की सरकार में गांव को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ड्राइवर भूसा ट्रैक्टर से लेकर आ रहा था कि वहीं पर पुलिस ने दो थप्पड़ मारकर 400 रुपए पॉकेट से निकाल लिया, जहां पर अधिकारी सचिव बॉर्डर मिलकर बहुत लापरवाही कर रहे हैं, जो कि 3035 गाय मरी पड़ी है, जिनको डॉक्टर देखने तक नहीं पहुँच रहा है। अब छोड़ दो। क्या नाम है गंगाराम जी? गंगाराम हमारा नाम। गंगाराम नाम है। आप कहाँ रहते हैं, किस गांव में? कसमंडी में। छोटी कसमंडी में रहते हो। ये जानवर को किसने नोचा है? कौवा ने। कौवा? यहाँ पे डॉक्टर नहीं आता है? नहीं नहीं आया। आते हैं, परसों आए थे। जी हाँ, देख के चले जाते हैं। अच्छा, कोई दवा इलाज इनका नहीं होता है? दवा इलाज नहीं होता। नहीं होता? नहीं। ठीक है। आपका नाम भैया क्या है? अंकित कुमार। अंकित कुमार जी, बताइए यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये जानवर सब मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई इनकी इलाज भी नहीं करता है। गोबर सब पड़ा हुआ, सब इतने कीटाणु फैले, सब गंदगी फैली इसके अंदर जी, इसकी वजह से ज़्यादा जानवर मर रहे हैं। आपका नाम भैया क्या है? छोटेलाल। छोटेलाल जी, बताइए यहाँ पे क्या समस्या है? समस्या ये है कि साहब, यहाँ सफाई ये नहीं है, गंदगी ज़्यादा है, और डॉक्टर आते हैं तो देख के चले जाते हैं। यहाँ हम लोग कहते हैं कि इसका इलाज, तो इलाज साहब हम क्या कर सकते हैं इसका, ये तो डॉक्टर बता सकते हैं जी। और हम लोग इसमें तो देखभाल चारा करेंगे और पानी आने की व्यवस्था, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जी भाई? ये तो बीमारी के लिए तो डॉक्टर ही बता सकते हैं इसकी क्या बीमारी है, क्या करना चाहिए जी जी, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा काम है ये चारा डालने का, चारा खिलाने का। और उधर अभी ड्राइवर वाला वो अलग कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं, योगी सरकार एक तरफ दावा कर रही है, और योगी सरकार ने कहा था कि गौशाले का निर्माण किया जाए, जिसमें गौशाले का निर्माण हुआ और प्रधान के माध्यम हुआ, जिसमें प्रधान ने जी जान से अपने पास से पैसा लगा लगा करके जानवरों को चारा खिला रहे हैं, और वहीं पर जो जानवर एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनकी बॉडी जो है ठेकेदार उठाने नहीं आता है, और ना ही डॉक्टर उनका सही इलाज कर रहा है, जो कि धूप में इंसान ऐसियों में आराम कर रहे हैं, और वहीं पे एक गौ जिसकी मतलब योगी जी पूजा करते हैं, मोदी जी पूजा करते हैं, वहीं पर मतलब देखा जाए तो योगी जी की बात का उल्लंघन अधिकारी गण कर रहे हैं, और अधिकारी गणों का कहना है कि मतलब इस हिसाब से इलाज नहीं हो पाएगा, जिसमें कम से कम 60-65 जानवर एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जो कि हम लोग मीडिया के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और प्रधान जी बहुत निराश हैं, क्योंकि सरकार तो सुविधा दे रही है या, लेकिन अधिकारी गण क्या डॉक्टर और सचिव सभी लोग मिल करके कानों में अंगुलियां डाल करके बैठ चुके हैं। मिलते हैं प्रधान जी से। जी प्रधान जी, बताइए क्या समस्या है? समस्या साहब, यहाँ जो चारे का पैसा सबसे बहुत देर में मिलता है जी, और पूर्ण नहीं मिलता है, और यहाँ जो गंदगी उठाने के लिए जो लेबर अलग से होना चाहिए, उसके लिए कोई बजट सरकार ने दिया नहीं है जी, तो अलग से ये गोबर और गंदगी मलमूत्र जो है इसको उठाने के लिए जी, हम लोग मतलब स्वयं तो अपने पास से कर नहीं पा रहे हैं जी, सरकार तरफ से कोई इसके लिए बजट नहीं है जी, कि यहाँ सफाई कर्मी रखे जाए, या सफाई कर्मी एक जो है वो गाँव में ही नालियाँ स्कूल साफ करने में नहीं पूरा होता जी, बड़ी पंचायत है,
वो तो यहाँ गोबर तो उठा नहीं पा रहा है, नालियाँ नहीं साफ कर पा रहा। यहाँ के लिए कोई गोबर जो उठा रहे, 200-250 जानवर हैं, तो इनके लिए एक दो अलग से गोबर उठाने वाले होना चाहिए, उनके लिए कोई नियम योजना है नहीं जी। तो कैसे रखा जाए, कौन से लेबर काम करेंगे यहाँ? चारा वाले रहे, चारा वाले चारा डाल रहे हैं, पानी पिला रहे हैं जी। वो जो लेबर हैं उनके लिए भी कोई अभी कहीं से कुछ नहीं, नरेगा से कहा गया, नरेगा चल नहीं रहा यहाँ, तो उनकी हाजिरी नरेगा में भी नहीं लग पा रही, और कोई ऐलान नहीं है सरकार तरफ से कि इनको लेबरों को पैसा कहाँ से दिया जाए, किस खाते से दिया जाए। तो समस्या है कि लेबर भी निराश है जो चारा डालने वाले हैं, उनको भी अभी 2-3 महीने से पैसा नहीं मिला है, और अब रह गया कि ये गोबर उठाने वाले करें तो इनका पैसा कहाँ से आ जाएगा, और गंदगी की वजह से जानवर भी काफ़ी मरे हैं। नहीं नहीं हम कहाँ पहुँच जी। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, आपको कुछ बता रहे थे अब साहब, वो बात तो बता दिया चारा वाली। अब यहाँ और एक समस्या है जी, कि यहाँ अगर भूसा उसा हम लोग कहीं मोल लेके लाते हैं जी ट्रैक्टर ट्रालियों से जी, तो रास्ते में सबसे बड़ी बाधा ये है कि गली गली में पुलिस के लोग ट्रैक्टर रोकते हैं और पैसा मांगते हैं, जो पैसा नहीं उनको दिया देता है ट्रैक्टर ड्राइवर, क्योंकि किराए पे हमने मंगाया है भूसा गौशाले के लिए जी, तो उस ड्राइवर को मारा भी जाता है जी, लेबरों को मारा जाता है रास्ते में भी। एक सही बसी के हमारे यादव जी ट्रैक्टर मंगाया था जी, वो ला रहे थे रात में, और गाड़ी चार पहिए की गाड़ी वाहन थी, पुलिस उस पर लिखा था कोतवाली बता रहे थे। प्रधान जी आप अपना नाम बताएंगे? हाँ हमारा उदय शंकर रावत, उदय शंकर रावत नाम है जी। क्या आप प्रधान पति हैं? हाँ जी जी हाँ पत्नी है, देखभाल हम ही करते, प्रतिनिधि हम हैं। अच्छा आप प्रतिनिधि हैं और प्रधान जो है आपकी पत्नी है? हाँ जी हाँ जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? ग्राम मधुपुर, मधुआपुर के रहने वाले हैं। आपका ब्लॉक क्या लगता है? मलियाबाद, मलियाबाद तहसील भी मलियाबाद लगता होगा जी। क्या हादसा हुआ आगे चल के, फिर क्या हुआ? तो साहब हम गए भी थाने में शिकायत की थी जी, तो एसएसआई साहब मिले थे, तो वैसे भी हमारा स्वास्थ्य खराब था, हम पहले जाते नहीं थे जी, तो उन्होंने कोई ध्यान भी नहीं दिया जी, और कहा कि वो थाने की पुलिस नहीं होगी, 100 नंबर की होगी जी, और 100 नंबर वाले उन्होंने क्या, उस पर हमारा कोई कमांडर नहीं है जी जी, 100 नंबर की गाड़ी ने मारा पीटा जो भी होगा, हमारे थाने की नहीं मारा जी। लेकिन बाद में यह मालूम हुआ कि वो 100 नंबर की गाड़ी नहीं, वो जीप कोई थी, वो मलियाबाद की कोतवाली की थी जी, उस पर कोतवाली लिखा भी था जी, तो वो लेबर उठाना भी बंद कर दिया, भूसा मना कर दिया कि नहीं लाएंगे हम, और हम मार खा गए हैं, और हम तो 100-200 रुपया सब कहाँ से हम अपने पास से देंगे, किराया तुम दोगे जितना हमारे लिए दोगे, अब उसमें हम पुलिस को कहाँ से दें, तो वो उठाना भी बंद कर दिया है, अब ट्रैक्टर वाले भूसा भी नहीं ला रहे हैं। ये देख सकते हैं गायें जो गौ रखी गई हैं, जो चारा खा रही हैं, भूसा जिनको प्रधान जी खिला रहे हैं, प्रधान प्रतिनिधि खिला रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये आता है कि अगर गौ को भूसा खिलाया जाए, गौ को चारा खिलाते हैं, और उसी में मतलब कहां से पुलिस को पैसा दिया जाए, कहां से लाया जाए इतना पैसा जो पुलिस को दिया जाए। रात दिन परेशान करके रखा है पुलिस डिपार्टमेंट, अगर एक ट्राली भूसा लेके आते हैं उस पर 500 रुपये की मांग की जाती है। क्या नाम है भैया? मेरा अरविंद कुमार नाम है। अरविंद कुमार जी क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ सर ये हुआ कि मैं भूसा प्रधान जी का उठाने गया था जी, मलियाबाद जी, अहमदाबाद कटौली से जी, खेत से, तो सर हम वहाँ से भूसा लिए आ रहे थे, तो 3 जगह मुझको रोका गया, 2 जगह तो छोड़ दिया, लेकिन तीसरी जगह यहाँ मलियाबाद स्टेशन फटका के पहले मुझे रोक लिया 2 पुलिस वालों ने जी, जीप से थे, तो उसने कहा पैसा, तो हमने कहा पैसा हम प्रधान जी ने हमको भेजा है, हम लेबर लेकर भर के लाए हैं इसको भूसा को जी, तो आप प्रधान जी से बात कर लीजिए जी, अगर वो कह दें तो पैसा हमको तो दिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रधान कोई DM है क्या, तो आप किराया नहीं लेते हो क्या इसका जी? तो हमने कहा कि किराए पर तो सर जब ये डीजल खाती है गाड़ी, तो हम किराए तो लेंगे ही प्रधान जी से जी। तो उन्होंने कहा कि तो हम क्या खाएंगे, हमारे लड़के बच्चे नहीं हैं। तो हमने कहा तो ये साहब आप प्रधान जी से बात कर लीजिए, उनसे आप कहिए तो आपको देंगे आके, तो हमको उन्होंने पैसा तो दिया नहीं अलग से कि पुलिस को देना, तो आप उनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने कहा सर कि फिर वो गाड़ी में कहने लगे कि चलो चालान काट देंगे, तो हमने कहा चालान काट दीजिए सर, तो उसके बाद में अपने हमको खींच के गाड़ी में बैठाने लगे,
और जब गाड़ी में नहीं बैठा तो उन्होंने दो चटकने हमारे मार दी। अच्छा, दो थप्पड़ मारे? दो थप्पड़ मारे सर। क्या उनका नाम आप नेम प्लेट पे देखे थे? सर रात थी ना, दो रात थी वजह से। हाँ जी, उन्होंने दो थप्पड़ मार के गाड़ी में बैठ लिया, चल दिया। अच्छा, कितने रुपया लिए? 400 रुपये। 400 रुपया लिए? जी सर। 400 रुपया आपके पॉकेट से निकाल लिया? जी सर। अच्छा, आपके दो थप्पड़ मार करके पॉकेट में 400 रुपये थे वो निकाल लिया? जी सर। ये देख सकते हैं सर, यहाँ पे गौशाले में मैं खड़ा हूँ इस समय। मधवापुर ग्राम सभा में गौशाला बना हुआ है, जहाँ पे रात्रि दो बजे तीन बजे के आसपास ठंडा मौसम होता है, लेबर मिले थे जिसमें प्रधान जी मतलब अपना भूसा उठवा रहे थे जानवरों के लिए, गौशाले के लिए, जिसमें मतलब एक ऐसा हादसा हुआ, 100-200 रुपया लिया होता, 50 रुपया लिया होता कोई बात नहीं, लेकिन 500-400 रुपये की वसूली पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। लाइन क्रॉसिंग के पास में खड़े होके और वसूली चल रही है भूसा की, जिसमें 400 रुपये पॉकेट से लड़के के निकाला जाता है, ड्राइवर के पॉकेट से दो थप्पड़ मार करके 400 रुपये की निकासी होती है। और वहीं पे योगी जी, मोदी जी, सभी लोग गौ की पूजा करते हैं कि गौ हत्या ना होने पाए। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन देखिए इस हिसाब से कर रहा है दुर्दशा, 400-400 रुपये की वसूली कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा प्रशासन और शासन क्या करता है, इन पे कोई कार्रवाई होती है या नहीं। ठेकेदार यहाँ के हैं, लाइसेंस जिनको है। क्या नाम है भैया आपका? सर्वेश कुमार नाम है। सर्वेश कुमार, कहाँ रहते हो आप? छोटी कसमंडी। छोटी कसमंडी में, ये कसमंडी में गौशाला बना है? जी, कसमंडी खुर्द में। हाँ, गौशाला में। कसमंडी खुर्द, वहाँ क्या दिक्कत है आपको? यहाँ सर ऐसा है कि जो जानवर मरते हैं जी, उन्हें जो हम फोन करते हैं मरे जानवर उठाने वालों को जी, तो वो आते हैं तो डायरेक्ट हम ही से पैसा मांगते हैं। आपसे पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दो तो मैं जानवर उठाऊंगा, वरना नहीं उठाऊंगा। अच्छा, यहाँ का ठेका है जी? ठेकेदार कौन है? सुंदर, मलिहाबाद के। सुंदर नाम से ठेका है जी, सुंदर के नाम से ठेका है जी सर। अच्छा, और यहाँ पे आते हैं पैसा मांगते हैं जी। एक जानवर का कितना पैसा मांगते हैं? 200 रुपये। 200 रुपये कितना? 200 रुपये। 200 रुपये मांगते हैं कि 200 रुपया चाहिए हमें, जबकि ठेका उन्हीं के नाम से। अच्छा, तो आपने फिर क्या कहा? हमने कहा हमें जब 4 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली तो हम आपको कहाँ से दें। अच्छा, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम नहीं जानते, मैं नहीं उठाऊंगा, आपको मिले या ना मिले मुझे चाहिए। अच्छा, और यार जब गंदगी ज्यादा हो गई तो हमें मजबूरन हमें 4 लोग हैं, हम ही लोग उठा के उधर डालना पड़ता। अच्छा, दवाई लाने तक पैसे नहीं है किसी के पास। अच्छा जी सर, दवाई डॉक्टर क्या कहता है? वो देखो दवाई रखी है, अभी प्रधान जी से रुपए लिए 200, तब हमने दवाई लाई, कल रात को हमने गाय मार दी। अच्छा जी, टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आरके सिंह की रिपोर्ट, अतरौली हरदोई। जनपद सीतापुर के नगर पालिका बिस्वा के बीचों बीच बना बड़ा चौराहा, जहां पर जय हनुमान बजरंग बली की जयकार के बीच लोगों को भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया। वहीं बड़े हनुमान मंदिर में भोग लगाकर संपन्न हुआ। प्रातः से ही बड़े चौराहे हनुमान भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों की अपार भीड़ के बीच पूरा नगर व आसपास का वातावरण हनुमानमय हो गया। भंडारे को सफल बनाने में समिति अध्यक्ष अश्विनी कुमार त्रिपाठी सहित अभिषेक अग्रवाल, बब्बू रस्तोगी, गौरव सेठ, धीरज वर्मा, मोनू त्रिपाठी, रमेश शाह सहित हनुमान भक्तों ने काफी योगदान। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। जनपद महोबा के बबेडी ग्राम से बबरई आ रहे मोटरसाइकिल सवार दो युवा शादी के कार्ड देने के लिए धरौन गांव के निकट तेज रफ्तार टैंक से उटी और धरौन के बीच मोटरसाइकिल सवारों को रौनते हुए मौके से हुआ फरार। एक युवा शिव शंकर पुत्र लालन ग्राम बक्षा थाना सिसोलर तहसील मौदहा निवासी अपनी जिंदगी और मौत से झूलता हुआ 108 नंबर एम्बुलेंस से युवा घायल के साथ उसके दादा का लड़का सुरेश कुमार पुत्र महीपाल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल युवक को देखने के बाद बताया कि हालत बहुत गंभीर है, बाहर के लिए रेफर किया। वहीं कबरई पत्थर मंडी में टैंक चालक यातायात की उड़ा रहे धज्जिया, आए दिन कर रहे एक्सीडेंट, रोज आती है एक्सीडेंट की खबरें, वहीं लोगों की जाने, जिला महोबा परिवहन यातायात प्रशासन मौन।
सुरेश कुमार, ग्राम बच्चा, पोस्ट बम्बई, थाना सिसोलो, तहसील मदा, जिला हमीरपुर। बबेड़ी से हम लोग बरबई जा रहे थे शादी के कार्ड देने के लिए। ठेला वाले ने पीछे से टक्कर मारी है तो उसका सर आगे बोनट में घुस गया है। काहे से थे आप लोग? बाइक से। गाड़ी नंबर क्या है? किसका? ठेला का। देखा? गाड़ी नंबर नहीं देख पाए, मैं इसी में लग गया। इसका नाम क्या है? शिवशंकर। शिवशंकर सनाप लल्लन। शिवशंकर सनाप लल्लन। लल्लन जी। आपका? सुरेश कुमार सनाप मेघवाल। आप कौन है? दादा का लड़का। दादा का लड़का। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड। जनपद महोबा में 21 मई 2019 में शासन के निर्देशानुसार पूर्वाहन 11 बजे जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एडीएम पूनम निगम ने समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को आतंकवाद का डटकर सामना करने की शपथ दिलाई कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा और सहनशीलता में दृढ़ विश्वास रखते हुए सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ लेते हैं। मैं आज के दिन पूरे जनपद में आतंकवाद विरोधी दिवस पर विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में वाद विवाद, चर्चाएं आतंकवाद और हिंसा के खतरे के संबंध में परिचर्चा, सेमिनार तथा व्याख्यान आदि आयोजित किए गए। इनको मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आतंकवाद राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है तथा युवकों को आतंकवादी हिंसावादी गतिविधियों से पृथक करना चाहिए। इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बलिदान दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं शपथ के दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी रामकृष्ण पांडे, सूचना अधिकारी सतीश यादव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राम विलास श्रीवास, एलबीए रामरतन वर्मा सहित समस्त अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड। आज खीरी जिले में जेठ माह पहले बड़े मंगल के उपलक्ष में आदि शक्ति फाउंडेशन बैनर की महिला सशक्तिकरण ने एकत्र होकर 3 दर्जन ठेलिया रिक्शा चालकों को अंग वस्त्र देकर व मिठाई खिलाकर भीषण गर्मी से राहत के लिए वितरण किया। साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने छोटी बच्ची तनीष अवस्थी को अंगोछा बांध कर व मीठा खिलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर आदि शक्ति फाउंडेशन की सदस्य श्रीमती सुनीता शुक्ला, रेणुका टंडन, साधना सिंह, नीतिपुरी, मृदुला त्रिपाठी, खेमका टंडल, अलकापुरी ज्योति आरती शुक्ला आदि दर्जनों महिला उपस्थित रहीं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आतिश त्रिवेदी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। जनपद शाहजहांपुर जिले में मंगलवार को खेत में एक 7 वर्षीय मासूम की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल खेत में हत्या करके फेंके गए मासूम को गांव के ही कुछ लोगों ने बीती रात को उस समय अगवा कर लिया जब मासूम घर के बाहर सो रहा था। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब मामले की पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि मामला शाहजहांपुर के कांड थाना क्षेत्र के गंधार गांव का है, जहां बीती रात 7 वर्षीय रौनक पुत्र रामचंद्र अपने घर के दरवाजे पर सो रहा था कि अचानक किसी ने मासूम को कर लिया। वहीं सुबह बच्चे का शव गन्ने के खेत में मिला। वहीं शव देखकर परिजनों के होश उड़ गए। वहीं इस मामले में परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या गांव के प्रधान ने की है। फिलहाल इस मामले की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू की है। परिजनों का यह भी आरोप है कि उसकी हत्या गांव के प्रधान भगवान दास ने की है, क्योंकि उसकी पहले से ही रंजिश चली आ रही, इसी बात को लेकर उन्होंने बच्चे की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज करने की भी कार्रवाई की है। इसमें ग्राम प्रधान का नाम आ रहा है जिसमें कुछ हत्या के आरोप लगा रहे हैं परिजन लोग। परिजनों ने ग्राम प्रधान के ऊपर शक जाहिर किया है, इस संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। इसे क्या मामला निकल कर आ रहा है, कुछ सामने कुछ बता सकते हैं? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही क्लियर। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। आज दिनांक 21 मई 2019 को ज्येष्ठ माह के प्रथम बड़े मंगल के अवसर पर मेरे पिताजी श्री राम कुमार मिश्र जी, चाचा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा सहित बीरेश मिश्रा, संजय मिश्रा व छोटे भाई मनोज मिश्रा ने अपने बालाजी मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख रूप से भरत पांडे, शेखर पांडे, अभिजीत दीक्षित, आकाश मिश्रा, फैजी खान, रामकरण कुशवाहा, अशोक मिश्रा सहित कई भक्तगण भी मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, शाहबाद, हरदोई।